नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं एबीपी न्यूज के खास चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर से यूपी चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। आज प्रधानमंत्री ने सीएम योगी की पीठ थपथपाई मंच से और निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर, जबरदस्त हमले किए। ऐसा लगा कि मोटे तौर पर एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यूपी चुनाव का एजेंडा है आज वो सेट कर दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज समाजवादी पार्टी है? इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अग्निजेश अवस्थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप देख सकते हैं दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले रिपोर्ट। रौरा सफन के परनाम का रहल बानी। पीएम मोदी ने यूपी को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत कई प्रोजेक्ट दिए। जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल इस लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजर गड़ाए है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं परिवारवादी की बन गई। पीएम मोदी ने जनसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की। योगी जी के नेतृत्व में यहाँ माफिया माफी मांगता फिर रहा है। इस तरह पीएम मोदी ने आज कुशीनगर में यूपी के आने वाले चुनाव का बिगुल फूंक दिया, बल्कि उन्होंने तो आज यूपी का चुनावी एजेंडा लगभग सेट भी कर दिया। सीएम योगी की जमकर तारीफ की और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। पीएम मोदी के आज के भाषण से दो चीजें बहुत साफ हो गईं। पहली ये कि चुनाव में बीजेपी योगी को एक्शन लेने वाले सीएम के तौर पर पेश करेगी। दूसरी ये कि यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी को अपना सियासी दुश्मन नंबर वन मान रही है। इसी पर चर्चा करते हैं, सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का। मुझे लगता है आना चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को। अनुराग जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से खड़े होकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा गए कि योगी राज मतलब उत्तर प्रदेश में कानून का राज, और सर आप वाले पुराने राज की बखिया भी उधेड़ कर गए, अब क्या होगा आगे? तो देखिए, तो आप ही सोच के देखिए आप कि जो प्रधानमंत्री जी 7.5 साल से उनकी सरकार केंद्र में है, 4.5 साल उत्तर प्रदेश में है, अपने काम की ना अपने काम के बारे में नहीं गिना पाए। आज भी वही पुराना राग अलाप रहे हैं जो पहले अलापा करते थे 2014 से लेकर आज तक। वही अलाप रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूं, कह रहे हैं कि काम नहीं गिना पाए, वो तो कह रहे हैं योगी राज मतलब माफियाओं पर लगा। आ रहा हूँ इसीलिए तो आ रहा हूँ, बोलने तो दीजिए। आप पहली रोक दे रहे हैं, आप कम से कम आप तो साथ दीजिए, वैसे ही बीजेपी वालों के साथ है पूरे सारे चैनल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर में रोंदा जा रहा है और रोंदने में आरोपी कौन है? देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा और गृह राज्य मंत्री पद पे बने हुए हैं, उसके बारे में कब उन पे बुलडोजर चलाएंगे बता देते। उस माफिया पे जो कह रहा था मैं गुंडा ज्यादा बड़ा हूँ मंत्री छोटा हूँ, मंत्री पद मेरे लिए छोटा है, गुंडा होना मेरे लिए ज्यादा फक्र की बात थी। तो मोदी जी उसके बारे में शायद बात कर रहे थे, मोदी जी शायद उनके बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो पुलिस वाले होटल में घूमने जाओगे तो घुस के मार देते हैं, और मारने के बाद फिर जब समाजवादी रोड पे आते हैं तो ही न्याय मिलेगा, अगर समाजवादी नहीं आएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, तो आतंकवादी डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे अगर घूमने निकलोगे विवेक तिवारी लखनऊ के अंदर में तो गोली से उड़ा दिया जाएगा, फिर समाजवादी रोड पे आएंगे तो ही न्याय मिलेगा, वरना तो रफा दफा हो जाएगा,
हाथरस की बेटी को पेट्रोल डाल उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा ये बता के उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, तो अगर समाजवादी लाठी खाने नहीं आएंगे तो रफा दफा कर दिया जाएगा। हाथरस की इसी तरह उन्नाव की बेटी का पूरा पूरा परिवार न्याय मांगने में खत्म कर दिया जाएगा। बाराबंकी की बेटी के साथ यही हुआ, गाजियाबाद की बेटी के साथ यही हुआ, हापुड़ की बेटी के साथ यही हुआ, शामली की बेटी के साथ यही हुआ। अनुराग भदौरिया यहाँ पर जिस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने वारदातें और शहर के नाम गिना दिए, तो क्या लखनऊ, गोरखपुर, लखीमपुर के मद्देनजर जो बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई तारीफ में योगी आदित्यनाथ के, वो दावे तमाम हवा हवाई है क्या? सर आप ही दो लोग हैं, बस आप ही दोनों से चर्चा करनी है, एक एक करके जरा दोनों की बात सुनते चलते हैं प्लीज। भदौरिया जी आपके पास आ रही हूँ सर, प्लीज आइए। अवनिजेश जी, लखीमपुर, लखनऊ, गोरखपुर जो गिना रहे हैं अनुराग भदौरिया दावा, इन घटनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, योगी राज को लेकर क्या हवा हवाई साबित हो रहा है? रोमाना जी सच बात ये है कि समाजवादी पार्टी के बारे में जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया बीएसपी के साथ, बुआ भतीजे, उनका नारा पता क्या था? चड़गुंडन की छाती पे मुहर लगाओ हाथी पे, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया। अरे नया बताओ, जिसने कहा 27 साल उत्तर प्रदेश बिहार उसके साथ गठबंधन किया। भाई देखिए एक बात सुनिए, अनुराग जी देखो बीच में कोई नहीं बोलता ना, आप लगातार बोलते हैं, नॉनस्टॉप बोलते हैं और लगातार वही बोलते जा रहे हैं जिसका सच से तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है रोमाना जी कि उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ में भरोसा है, अगर उनमें अगर उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के मतदाता को, उत्तर प्रदेश के नागरिक को योगी आदित्यनाथ में भरोसा है, आस्था है, अगर वह कहती है इस बात को मानती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज फिर से स्थापित हुआ, मान रहे हो, जाति नहीं, परिवार नहीं, कानून, इन सब कानून से ये सब परे हैं, ये उत्तर प्रदेश के आम नागरिक का मंतव्य है, आम नागरिक की ये मान्यता है। मैं जवाब लेती हूं अब कहीं से, और तमाम सर्वे भी इस बात को कहते हैं। ठीक है सर, मैं जवाब लेती हूं। अनुराग भदौरिया प्लीज आप मुझे ये बताइए कि ऐसी स्थिति क्यों है? मतलब 2017 में भी जब चुनाव था उत्तर प्रदेश का, तब भी तो देखिए समाजवादी पार्टी पर इसी तरीके के आरोप लगते थे, ये समाजवादी सरकार नहीं, ये परिवारवाद वाली सरकार है। अच्छा आज भी पीएम मोदी ने मंच से बिल्कुल वही आरोप आप लोगों पर लगाया, तब भी समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे, आज भी पीएम मोदी ने उसी बात को लोगों को याद दिलाया कि देखिए एक वो राज था जब माफियाओं को खुली छूट थी और एक ये राज है योगी राज जब माफिया माफी मांग रहे हैं। देखिए माफिया, वही तो बात है, माफिया कैबिनेट मंत्री बन गए, माफी मांगना तो छोड़ो कैबिनेट मंत्री हैं, इनके विधायक 114 ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी पे जिसपे संगीन मुकदमे हैं, तो जो विधायक बन गए और मुख्यमंत्री के ऊपर अपने मुकदमे थे उन्होंने वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, कई विधायक सांसद और कैबिनेट मंत्री के मुकदमे वापस ले लिए, ये तो पूरे अपराधी के अपराधी थे, अपने मुकदमे वापस ले रहे थे और उसका नतीजा क्या हुआ? हम कहते थे ये अपराधियों की सरकार है, तो आज देख लो किस तरह से रौंद के मारा जा रहा है, किस तरह से होटल में घुस के पीटा जा रहा है, किस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है, किस तरह से बहू बेटी की साड़ी नोची जा रही है। ये लखीमपुर की घटना, साड़ी नोची गई, लखीमपुर की दो दो दलित बेटियों की हत्या हुई। अरे रुमाना जी घटना गिनाने जाऊंगा, शराब माफिया, लगातार शराब पीने से हजारों लोगों की मौतें हो गई, यहाँ पे मस्तिष्क ज्वर और बुखार से कई जिलों में, अगर आप फिरोजाबाद से लेके अलीगढ़ से लेके आप हर जिले में चले जाइए, हजारों कितने बच्चों की मौतें हो गई, यहाँ कोविड काल में लोग ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, और इनके लोग क्या कह रहे थे रुमाना जी? एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है जी, एक भी व्यक्ति की मौत यहाँ पे कोविड काल में नहीं है जी। ठीक है, ठीक जब है। इतना झूठ बोलेंगे जी, तो चाहे मंच से बोलिए जी, चाहे पार्लियामेंट में बोलिए जी, जब झूठी बोलना है जी तो कहीं बोलिए जी। अरे अनुराग जी, रोका है जी? कुछ जनता के लिए भी छोड़िए जी, जनता को भी फैसला करने दीजिए जी, सब आगे के नाते 2022 ना, मुझे जल्दी से अवनिजेश जी के पास तो जाने दीजिए। अवनिजेश जी चलिए ये समझाइए आप मेरे दर्शकों को कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मन से एक तो सीएम योगी की पीठ थपथपाई, जाहिर सी बात है भाई बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी ने पीठ थपथपाई, और दूसरी बात ये कि जैसे मंच से खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया,
क्या मोटे तौर पर जो बिग पिक्चर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की इस वक्त बन रही है वो यही है कि लड़ाई जो है, टक्कर जो है, वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही रहने वाली है? रोमाना जी, एक बात बड़ी साफ से जी, एक तरफ नरेंद्र मोदी महंत योगी आदित्यनाथ है और दूसरी तरफ बाकी सब लोग हैं, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। मैं अनुराग भदौरिया से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के उस बालिग व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो किसी भी पद पर ना रहा हो जब समाजवादी पार्टी की सरकार, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो किसी भी पद पर ना रहा। मैं जवाब दे दूं? नहीं मिलेगा। वो जवाब देना चाह रहे हैं जितने बालिग लोग थे वो किसी भी पद पर दो। अब आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, उन्होंने चैलेंज आपका स्वीकार कर लिया, सुन तो लीजिए, उन्होंने अपना चैलेंज स्वीकार कर लिया। जवाब दे दूं? अपनी जो सर सुन लीजिए क्या जवाब दे रहे हैं, नाम किसका लेंगे? आइए आइए अनुराग जी, देखिए बीजेपी में जहाँ परिवार है तो मजा है, वहाँ पे अरे यही तो मजा है, ये तो मैं बताऊंगा ना, कल्याण सिंह का बेटा, पुत्र, बहू आए, बताएंगे परिवार में, परिवार में कितना परिवार है, वसुंधरा राज उनका बेटा आ जाए, सुन लीजिए, अनुराग ठाकुर से लेके उनके पिताश्री तक आ जाए, कमाल की बात। और भी अगर कम पड़ जाए कुनवा परिवार का तो ज्योतिराज सिंधिया को इंपोर्ट कर लो, जितिन प्रसाद को इंपोर्ट कर लो, यहाँ चौटाला इंपोर्ट कर लो, आप तो सब इंपोर्ट कर रहे हो परिवार को। इसलिए आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र में वही व्यक्ति संसद में पहुंचेगा जिसको जनता चुनेगी। ये फर्जी बोलना बंद कीजिए, संविधान को गाली देना बंद कीजिए, जब लोकसभा की लोकसभा में वही जीतेगा जिसको जनता चुनेगी। चलिए विधानसभा में वही पहुंचेगा जिसको जनता चुनेगी। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। देखिए चुनावी माहौल अब गर्म हो रहा है और रोज शाम 6 बजे एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री में दिन के सबसे बड़े सियासी मुद्दे पर हम चर्चा आपके लिए लेकर आते हैं। कुल मिला के आज की चर्चा आपने सुनी और जो आरोप लगाकर बीजेपी की तरफ से कटघरे में विपक्षियों को खड़ा किया जा रहा था आपने सुना, किस तरीके से विपक्षी दल उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आईना योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।